वेलकम टू माय चैनल द टेम्पटेशंस। इंस्टेंट मेन कोर्स रेसिपीज की सीरीज में आज बनाएंगे रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़िया पनीर टकाटक, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पनीर टकाटक बनाने के लिए मैंने लिया है एक प्याज, एक शिमला मिर्च और एक टमाटर। मैं 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा सब्जियों की जरूरत नहीं है। यदि आप ज्यादा लोगों के हिसाब से बना रहे हो तो आप सब्जियां उस हिसाब से ले लें। सबसे पहले प्याज को छील लें और इसे अच्छे से धोकर मोटे मोटे डाइस शेप में कट कर लें। अब एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, जिसे मैंने पहले से ही तपाकर ठंडा किया हुआ है। 1/4 टीस्पून डालेंगे जीरा। फ्लेम को हाई कर लेंगे। जीरा तिड़क जाए तो इसमें जो प्याज कट करके रखा है उसे डालेंगे और स्टर करेंगे, और साथ ही फ्लेम को स्लो कर देंगे। जब तक प्याज भुन रहा है, फटाफट बाकी की सब्जियां भी चॉप कर लेते हैं। शिमला मिर्च को भी डाइस शेप में कट कर लेंगे। मैं आधी ही शिमला मिर्च यूज कर रही हूँ, क्योंकि 2 लोगों के हिसाब से इतनी काफी है। अब टमाटर को भी उसी तरह मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। साइड बाय साइड प्याज को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं प्याज हल्का हल्का पिंक हो गया है। बस हमें इतना ही इसे पिंक करना है, पूरा नहीं भूनना है। इसमें ऐड करेंगे टमाटर, शिमला मिर्च जो कट करके रखी है, मिक्स करेंगे और स्वाद अनुसार डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टर कर लेंगे और 1/2 कप डालेंगे पानी। स्टर करके 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। पनीर को भी डाइस शेप में कट कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जियों को चेक कर लेते हैं। देखिए, सब्जियां हल्की हल्की टेंडर हो गई हैं। बस इतनी ही सब्जी हमें टेंडर करनी है, ज्यादा नहीं गलानी है। इसमें ऐड करेंगे डाइस्ड पनीर, ऊपर से डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह पर ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। और 1/2 टेबलस्पून डालेंगे चिली सॉस। एक बार अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पनीर टकाटक बनके तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक बाउल। इसमें डालेंगे पनीर टकाटक, ऊपर से धनिया डालकर गार्निश करेंगे। तो लीजिए, रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़िया पनीर टकाटक बनके तैयार है। शक्ल सूरत देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी, तो फिर देर किस बात की। अब आप इसे बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपने सारी वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा। अब बारी है इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप नंबर 1, टमाटर और कैप्सिकम के सीड्स इसमें बिल्कुल भी यूज ना करें। ऐसा करने से सब्जी तो नीट बनती ही है, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत रिच हो जाता है और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। टिप नंबर 2, अगर सब्जी बनने के बाद आपको सब्जी थोड़ी ड्राई लगे तो उसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर लें, और एक बॉईल दिलाते ही सब्जी का टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसा हो जाएगा। टिप नंबर 3, अगर आप पानी ना डालना चाहें तो आप इसमें अमूल क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे इसके कलर में थोड़ा सा फर्क आएगा। उम्मीद है आपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान से देख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे ठीक शाम 7 बजे एक नई इंस्टेंट मेन कोर्स रेसिपी के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।